बिफोर द रेंज के रिलीज से मुझे बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि ये फिल्म बहुत अच्छी है। चाहे आप डायरेक्शन देखिए, एडिटिंग देखिए, सिनेमाटोग्राफी देखिए या एक्टिंग, पर्सनली मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ इस फिल्म में। मैं समझता हूँ मेरे करियर में 3-4 ऐसे फिल्में हैं जिसको मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि आई डन अ गुड जॉब। मिस्टर एंड मिसेस आयर, इंग्लिश ऑगस्ट, काल पुरुष, अब बिफोर द रेंज और आने वाली जैपनीज वाइफ, ये मैं कहूँगा माई 5 बेस्ट परफॉर्मेंसेज इन माई करियर। देखिए, छोटी सी फिल्म है, अंग्रेज़ी में है, 8 फिल्म है, हालांकि बहुत अच्छी फिल्म है। हम सब जानते हैं कि मार्केट काफ़ी लिमिटेड होगी, उसी हिसाब से जितना पैसा प्रोड्यूसर्स ने खर्च किया है उतना काफ़ी है, एंड वी विल डू द बेस्ट वी कैन टू रिलीज। 1937 में ये फिल्म बेस्ड है। मेरा रोल है एक मलयाली गांव वाले का जो सड़क बनाना जानता है, तो वो अपने ब्रिटिश बॉस के लिए सड़क बना रहा है। ब्रिटिश बॉस कहता है कि जब ये सड़क बन जाएगा तो तुम्हारे गांव में बहुत प्रगति होगी। बहुत खुश है वो ब्रिटिश जो कुछ भी कर रहे हैं देश में बहुत मानता है। वो मानता है कि ब्रिटिश देश के लिए अच्छे रेलवेज बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, ट्रेड आ रहा है, पैसा आ रहा है, सब लोगों को नौकरी मिल रही है, तो उसमें ख़राबी क्या है। लेकिन एक दिन उसके बचपन के दोस्त नंदिता दास जो किरदार प्ले करती है और उनके बॉस के बीच में कुछ एक हादसा होता है जिससे उसे डिसाइड करना है कि मैं किस तरफ हूँ। वो निर्णय लेता है एक तरफ जाने के लिए, लेकिन हम ये फिल्म में देखते हैं कैसे ये निर्णय बदलता है और क्यों। तो इट्स अ फिल्म दैट्स लव फ्रेंडशिप लाइक अ थ्रिलर। नयनता के साथ एक्सपीरियंस जैसे कोंकणा के साथ होता है, वेरी वेरी एन्जॉयबल, वेरी रिलैक्स्ड, वेरी इजी। हम लोग एक दूसरे को कुछ भी कह सकते हैं फ्रैंकली, विच ओनली इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। शी इज़ अ फनी, वॉर्म, इंटेलिजेंट वूमन। संतोष के साथ काम करना मैं समझता हूँ मेरे ज़िंदगी के 1-2 में से सबसे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। संतोष बहुत फ्रीडम देते हैं एक्टर्स को, मुझे बहुत फ्रीडम से बहुत चाह है, मुझे बहुत फ्रीडम चाहिए एज एन एक्टर, लेकिन संतोष को पता है उसे क्या चाहिए, उसे क्या क्या नहीं चाहिए। आपको सही मार्ग पे वो लेके जाएगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो। संतोष एज अ सिनेमाटोग्राफर ही ऑल्सो मेक्स यू लुक फैंटास्टिक। उसके कैमरा के माध्यम से तुम्हारा एक्टिंग और भी अच्छा बन जाता है। संतोष में एक मैडनेस है, एक जुनून है, बहुत बच्चों की तरह। सो यू ऑटोमेटिकली फील द चाइल्ड लाइक एनर्जी एंड मैडनेस ऑफ संतोष। आई लव द मैन एंड आई लव हिज वर्क। पहले मैंने संतोष सिवन के साथ बिफोर द रेंज किया, उसके बाद संतोष ने कहा कि देखो तुमने बिफोर द रेंज में बहुत अच्छा काम किया, लीड रोल आपको तुम्हें मिला, अब तहान में तुम्हें एक छोटा सा रोल करना है मुझे खुश करने के लिए। तो ये ऐसा है कि जब आप कहीं पे जाते हो और आपको आप एक बड़ा फ्रिज खरीदते हो, साथ में एक छोटा सा माइक्रोवेव मिलता है ना, तो ये तहान छोटी सी माइक्रोवेव है और ये बड़ा फ्रिज है। तो ये मैंने पहले किया था।